एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई. ओके, हमें क्वेश्चन दिया गया है और हमें उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से. 2 × 10³. ओके, तो हम 2 को हम एज इट इज लिखेंगे और 10³ है तो हम 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 10 × 10 × 10. अब देख सकते हैं 3 जीरोज़ हैं. ओके, तो हम यहाँ पे 3 जीरोज़ लिख देंगे और 2 × 1 = 2. तो 2 × 10³ की वैल्यू होगी 2000. नेक्स्ट है 7² × 2². ओके, 7² है, इसका मतलब है हमें 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो 7² को हम लिख सकते हैं 7 × 7. नेक्स्ट है 2² ओके, यानी 2 को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 2² को हम लिख सकते हैं 2 × 2. तो 7² × 2² कैन बी रिटन एज 7 × 7 × 2 × 2. 7 × 7 = 49, 2 × 2 = 4. 49 × 4 = 196. तो 7² × 2² का वैल्यू है 196. नेक्स्ट है 2³ × 5. 2³ को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और फिर इंटू 5 है, यानी 2 × 2 × 2 × 5. 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40. तो 2³ × 5 का जो वैल्यू है वो है 40. नेक्स्ट है 3 × 4⁴. 3 हमने एज इट इज लिखा और 4⁴, यानी 4 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. ओके, 4 × 4 × 4 × 4. जब हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा 768. नेक्स्ट है 0 × 10² 0 हमने एज इट इज़ लिखा, 10² को हम 10 × 10 लिख सकते हैं. ओके, 0 × 10 × 10, कोई भी नंबर को हम जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 0. तो 0 × 10² का वैल्यू है 0. नेक्स्ट है 5² 3³. 5² को हम 5 × 5 लिख सकते हैं और 3³ को हम 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं. ओके, तो 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27. 25 × 27 = 675. तो 5² × 3³ का वैल्यू है 675. नेक्स्ट है 2³ × 3² 2. 2⁴, यानी 2 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. तो 2⁴ को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 और 3² को हम लिख सकते हैं 3 × 3. 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 3 × 3 = 9, 16 × 9 = 144. तो 2³ × 3² का वैल्यू है 144. नेक्स्ट है 3² × 10⁴. एक्सपोनेंट में 2 है इसलिए हम 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, 3² कैन बी रिटन एज 3 × 3. 10⁴ कैन बी रिटन एज 10 × 10 × 10 × 10. ओके, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो हम 9 लिखेंगे और 4 जीरोज़ है तो हम यहाँ पे 4 जीरोज़ लगाएंगे 9 के बाद, तो ये बन जाएगा 90,000. तो ये था क्वेश्चन नंबर 6.